नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे कैसे आप एक YouTube चैनल सेटअप करें। इन डिटेल हम देखेंगे कैसे आप मोबाइल से YouTube चैनल सेटअप करें, कैसे आप वीडियो अपलोड करें मोबाइल से, कैसे आप YouTube स्टूडियो यूज़ करें यूजिंग मोबाइल। चलिए शुरू करते हैं वीडियो विदाउट डिले। बिफोर दैट टू सब चैनल एंड वॉच टिल द एंड, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, आप अपने मोबाइल पर गूगल क्रोम ओपन करें। ओपन करने के बाद आप नेविगेट करें youtube.com। यहाँ पर क्रोम के सबसे टॉप राइट कॉर्नर पर एक मेन्यू आइकन है, उसे आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद सेलेक्ट करना चाहिए डेस्कटॉप साइट। इसे क्लिक करते ही डेस्कटॉप वर्जन ऑफ यूट्यूब ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्लिक करना चाहिए साइन इन। साइन इन क्लिक करने के बाद अगले स्क्रीन पर आपको अपना जीमेल का यूजर नेम और पासवर्ड देना चाहिए। यूजर नेम और पासवर्ड देते ही आप यूट्यूब पर लॉग इन हो जाओगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉप राइट कॉर्नर पर एक प्रोफाइल आइकन है, उसे आप क्लिक करें। क्लिक करते ही आप देख सकते हैं एक लिंक है क्रिएट चैनल, आप उसे क्लिक करें। क्लिक करते ही अगले स्क्रीन पर एक पॉपअप आएगा। इस पॉपअप पर आप क्लिक करें गेट स्टार्टेड। गेट स्टार्टेड क्लिक करते ही एक पॉपअप आएगा। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना चाहिए एक यूजर नेम। यहाँ पर YouTube एक यूजर नेम सजेस्ट करता है, या आप एक कस्टम यूजर नेम चुन सकते हैं। यहाँ पर मैं प्रेफर करता हूँ एक कस्टम यूजर नेम। इसे क्लिक करते ही अगले स्क्रीन पर आपको देना चाहिए एक कस्टम यूजर नेम। सही तरीके से यूजर नेम टाइप करने के बाद एक कंडीशन रखा है, उसे आप एक्सेप्ट करें। एक्सेप्ट करने के बाद आप प्रेस करें क्रिएट बटन। क्रिएट बटन प्रेस करते ही ये जो यूजर नेम से आप एक यूट्यूब चैनल बना चुके हो, आप देख सकते हैं यूट्यूब पर सबसे टॉप राइट कॉर्नर पर आपका प्रोफाइल आइकन है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद सेलेक्ट कीजिए योर चैनल। इसे क्लिक करते ही आप अपने चैनल पेज पर पहुंच जाओगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कई टैब्स है, वीडियोस, प्लेलिस्ट, चैनल, अबाउट सेक्शन, ऐसी कई टैब्स है। उससे पहले कुछ और इम्प्रूवमेंट्स करना चाहिए आपका चैनल के लिए, इसके लिए आपको प्रेस करना चाहिए कस्टमाइज चैनल। इसे क्लिक करते ही आप YouTube स्टूडियो के कस्टमाइजेशन सेक्शन पर पहुंच जाओगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं तीन टैब्स, लेआउट, ब्रांडिंग और बेसिक इन्फो। ये तीन टैब्स अवेलेबल है, इनमें से पहले चुनता हूँ ब्रांडिंग। ब्रांडिंग के अंदर आपको पहले अपना प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करना चाहिए। आप कोई भी फोटो एडिटिंग ऐप यूज करके अपना प्रोफाइल पिक्चर बनाइए और यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करने के बाद नेक्स्ट डे आपको अपना बैनर, यूट्यूब के लिए बैनर अपलोड करना चाहिए। बैनर के लिए भी एक डिफाइंड साइज अवेलेबल है, इसी साइज पर आपको अपना बैनर इमेज बनाना चाहिए। बैनर अपलोड करते ही टीवी, डेस्कटॉप, मोबाइल पर कैसे दिखता है इसका प्रीव्यू दिखाता है। सही बैनर अपलोड करने के बाद आप देख सकते हैं नीचे एक सेक्शन है वाटरमार्क का। अगर आप चाहते हैं तो वाटरमार्क भी अपलोड कर सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पर तीसरा टैब देखिए बेसिक इन्फो है, मतलब ये जो चैनल कौन सा निश पर बेस्ड है उसके कुछ डिटेल्स यहाँ पर लिखिए। किसके बारे में आप अपलोड करते हैं वीडियो उसका कुछ डिटेल्स यहाँ पर एंटर करें। चैनल का डिटेल्स एंटर करने के बाद नीचे आप देख सकते हैं एक लिंक दिया गया है, ये है आपका चैनल का यूआरएल। ये जो यूआरएल का सबसे आखिरी पोर्शन है आपका चैनल का आईडी, इसे आप रिमेम्बर करके रखिए। अगर आपका यूट्यूब चैनल हैक होता है तो ये जो आईडी है आपसे यूट्यूब मांगेगा, आप इस आईडी को देकर अपने यूट्यूब अकाउंट वापस ला सकते हैं। उसके नीचे आप देख सकते हैं एक सेक्शन है लिंक्स। लिंक्स को क्लिक करके आपके पास एक वेबसाइट का एड्रेस है तो उसका टाइटल और वेबसाइट एड्रेस यहाँ पर लिखिए। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई फेसबुक या ट्विटर, इंस्टाग्राम ऐसी कोई आईडी है तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। नीचे आपको प्रेफरेंस देना पड़ेगा, आपने जितना ऐड किया है उसका पहले का 5 दिखाया जाएगा। ऐसे करके आप यहाँ पर प्रेफरेंस सेट करें। इसे सेट करने के बाद अगला आपको देना चाहिए एक कॉन्टैक्ट इन्फो, एक ईमेल एड्रेस देना चाहिए। जिस ईमेल अकाउंट पर आपका जो यूट्यूब चैनल बना है वो ईमेल एड्रेस यहाँ पर ना दे, कोई और ईमेल एड्रेस ताकि कॉन्टैक्ट कर सके वो यहाँ पर देना चाहिए। इसे एडवांस है कि जिस ईमेल एड्रेस पर ये जो चैनल बना है वो ईमेल एड्रेस कोई भी हैकर को एक्सपोज नहीं हो जाएगा। कॉन्टैक्ट इन्फो एंटर करते ही आप देख सकते हैं सबसे ऊपर एक बटन है पब्लिश, आप उसे क्लिक करें। इसे क्लिक करते ही ये जो डिटेल्स आपने दिया है वो पब्लिश हो जाएगा। पब्लिश करते ही अगले हम बात करेंगे यूट्यूब स्टूडियो के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बटन है डैशबोर्ड, ये जो डैशबोर्ड बटन को क्लिक करें। इसे क्लिक करते ही आपको दिखेगा ओवरऑल डिटेल ऑफ योर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगला इम्पोर्ट स्टेप है एक वीडियो अपलोड करके देखते हैं। उसके लिए आप देख सकते हैं टॉप राइट कॉर्नर पर एक बटन है क्रिएट, ये जो बटन को क्लिक करते ही आपको प्रेस करना चाहिए अपलोड वीडियोस।
इसे क्लिक करते ही आपको एक वीडियो फाइल सेलेक्ट करना चाहिए। उसके लिए आप अपने कैमरा यूज कर सकते हैं या गैलरी से एक वीडियो फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। वीडियो फाइल सेलेक्ट करते ही आपका अपलोड प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं एक नया पॉपअप यहाँ पर सबसे नीचे दिखाता है स्टेटस, कितना अपलोड हुआ है। उसके बाद आपको देना चाहिए एक टाइटल, सही टाइटल दे यहाँ पर। टाइटल देने के बाद आपको एंटर करना चाहिए डिस्क्रिप्शन। ये जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखे, डिस्क्रिप्शन देने के बाद अगला स्टेप है एक थंबनेल चुनना चाहिए इस वीडियो के लिए। ऑलरेडी प्री असाइंड कुछ थंबनेल्स आता है, आप उनमें से चुन सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि कस्टम थंबनेल डाले तो उसका भी ऑप्शन है। थंबनेल डालने के बाद अगला स्टेप है एक प्लेलिस्ट, इस वीडियो के लिए एक प्लेलिस्ट असाइन करना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी प्लेलिस्ट अवेलेबल नहीं है, इसलिए आपको एक नया प्लेलिस्ट क्रिएट करना चाहिए। क्रिएट करने के लिए आपको एक टाइटल और उसका विजिबिलिटी सेट करना चाहिए। सही टाइटल और विजिबिलिटी सेट करने के बाद ये जो वीडियो को उस टाइटल पर असाइन कर दे। प्लेलिस्ट असाइन करने के बाद आपको चुनना चाहिए क्या आपका वीडियो मेड फॉर किड्स है क्या, ये आपको चुनना चाहिए। मतलब आपका जो वीडियो है टारगेट करता है किड्स के लिए या नहीं। अगर मेड फॉर किड्स नहीं है तो आप सेलेक्ट करें नो, इट्स नॉट मेड फॉर किड्स, इसे आप सेलेक्ट करें। उसके बाद आप देख सकते हैं नीचे मोर ऑप्शंस के अंदर अगर इस वीडियो पर कोई भी पेड प्रमोशन है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक चेकबॉक्स है, उसे आप चेक कर दीजिए। उसके बाद उसके नीचे आप देख सकते हैं एक सेक्शन है टैग्स का। ये जो वीडियो रिलेटेड कोई भी टैग अगर आप डालना चाहते हैं तो यहाँ पर एंड कर दीजिए। मतलब कोई भी कीवर्ड इस वीडियो को रिलेटेड है तो यहाँ पर आप एंड कर सकते हैं। टैग डालना एक अच्छा उपाय है ताकि आपका जो वीडियो ज्यादा रीच कर सके। उसके बाद आप देख सकते हैं आपको सेलेक्ट करना चाहिए एक लैंग्वेज। मैं यहाँ पर सेट करता हूँ इस वीडियो का लैंग्वेज आज हिंदी। इतना सब सेट करने के बाद आप देख सकते हैं सबसे नीचे एक बटन है नेक्स्ट, उसे आप क्लिक करें। नेक्स्ट बटन क्लिक करते ही अगले स्क्रीन पर आपको चुनना चाहिए एंड स्क्रीन और कार्ड्स ऐड करने के लिए। आपका वीडियो खुद प्रमोट करना चाहते हैं तो ये जो ऑप्शन आप चुन सकते हैं एंड स्क्रीन और कार्ड्स। क्योंकि इस चैनल पर कोई और वीडियो नहीं है इसलिए मैं प्रेस करता हूँ नेक्स्ट बटन। नेक्स्ट बटन प्रेस करते ही लास्ट टैब है, यहाँ पर आपको चुनना चाहिए पब्लिश डिटेल। क्या आपका जो वीडियो है आप प्राइवेट करना चाहते हैं, अनलिस्टेड रखना चाहते हैं या पब्लिक करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कुछ टाइम बाद इसे पब्लिश करें, उसके लिए स्केड्यूल करें, तो उसका भी ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर मैं चाहता हूँ इस वीडियो को पब्लिश कर दे, इसलिए मैं प्रेस करता हूँ पब्लिक। इतना सेट करने के बाद आप प्रेस करें बटन पब्लिश। इस बटन को क्लिक करते ही आप पहुंच जाओगे यूट्यूब स्टूडियो पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं डैशबोर्ड पर सारे का सारा डिटेल से लेटेस्ट जो वीडियो अपलोड किया है उसका सारे का सारा डिटेल्स होगा। यहाँ पर यूट्यूब एनालिटिक्स का एक लिंक है, उसे क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही इस वीडियो का एनालिटिक्स डिटेल पर आप पहुंच जाओगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ओवरव्यू दिया गया है, कितना है व्यूज, वॉच टाइम कितना है, कितना अमाउंट कलेक्ट किया, ये सब दिखाता है। इस विंडो का सबसे राइट साइड पर आप देख सकते हैं रियल टाइम व्यूज कितना है, लास्ट 48 आवर्स पर, लास्ट 60 मिनट्स पर व्यूज कितना आया है, ये सब दिखाता है रियल टाइम। आप देख सकते हैं एक टैब है ओवरव्यू, इसके करीब एक टैब है रीच। यहाँ पर इस वीडियो पर किन किन माध्यम से व्यूज आया है, कैसे रीच हुआ है, इसके बारे में बताता है। अगला टैब आप देखिए एंगेजमेंट है, मतलब एक यूजर आके कितना टाइम इस वीडियो पर बिताता है, कैसे बिताता है, ये सब दिखाएगा। यहाँ पर एक और टैब है ऑडियंस, मतलब किस टाइप का ऑडियंस इस वीडियो को देखता है, किन किन एज ग्रुप का ऑडियंस इसको देखता है, इस टाइप पर दिखाता है। ये जो वीडियो का साइड बार पर आप देखिए एनालिटिक्स के ऊपर एक लिंक बटन है, उसका नाम है बेसिक डिटेल्स। इसे क्लिक करते ही आप अपडेट कर सकते हैं टाइटल, डिस्क्रिप्शन, अन्य डिटेल्स आप यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं इस टैब के अंदर। साइड बार पर आप देखिए एनालिटिक्स के नीचे एक लिंक बटन है एडिटर, वीडियो एडिटर। इसे क्लिक करते ही जो वीडियो आपने अपलोड किया है उसे एक और बार एडिट करके अपडेट कर सकते हैं वीडियो एडिटर के अंदर। साइड बार पर नेक्स्ट बटन है कमेंट्स का, कमेंट्स के अंदर इस वीडियो पर जो कोई भी कमेंट्स आया है वो सब दिखाता है। अगर कोई भी कमेंट्स को रिव्यू के लिए होल्ड करके रखा है तो उसका भी डिफरेंट टैब है हेल्ड फॉर रिव्यू, यहाँ पर ऐसे कमेंट्स आप देख सकते हैं। साइड बार पर अगला बटन है सबटाइटल का, ये जो वीडियो पर कौन कौन सा सबटाइटल अवेलेबल है, अगर आप ऐड करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं सबटाइटल, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं इस टैब के अंदर।
दोस्तों ये सब था एक पर्टिकुलर वीडियो के अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं। चलिए चलते हैं यूट्यूब स्टूडियो के अंदर। वहां पर आप देख सकते हैं साइड बार पर एक बटन है वीडियो का। आप इस चैनल पर कौन कौन सा वीडियोस अपलोड किया है उन सबको एक साथ मैनेज कर सकते हैं, देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर वीडियो को सिलेक्ट करके उसे एक प्लेलिस्ट के अंदर ऐड करना हो या इस वीडियो को एडिट करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ डिस्क्रिप्शन, टाइटल, मोनेटाइजेशन, ऐसी चीजें आप एडिट करना चाहते हैं तो उसका भी ऑप्शन है। यहाँ पर हर एक वीडियो का विजिबिलिटी आप सेट कर पाओगे, मोनेटाइजेशन आप सेट कर पाओगे, उसके साथ साथ हर एक वीडियो को कितना लाइक्स आया है, कमेंट्स आया है, डिसलाइक कितना आया है, ये सब आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों YouTube स्टूडियो पर वीडियोस के करीब नेक्स्ट टैब है प्लेलिस्ट का। यहाँ पर जो कोई भी प्लेलिस्ट आपने इस चैनल पर बनाए है सब यहाँ पर देख सकते हैं, उसे एडिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट बटन के नेक्स्ट आप देख सकते हैं एक और बटन है एनालिटिक्स का। यहाँ पर इस चैनल का पूरा एनालिटिक्स आप देख सकते हैं, मतलब ये जो चैनल कैसे परफॉर्म कर रहा है, उसका व्यूज, वॉच टाइम, कितना रेवेन्यू आता है, कौन कौन इस चैनल को देखता है, कहाँ कहाँ से देखता है, उन सब का एंगेजमेंट कितना है, कौन कौन सा ऑडियंस देखता है, किस एज ग्रुप का ऑडियंस देखता है, ये सब यहाँ पर दिखाएगा। एनालिटिक्स के नीचे आप देख सकते हैं एक और टैब है कमेंट्स का, मतलब इस चैनल के अंदर जो कोई भी कमेंट्स आता है यहाँ पर दिखाता है। सारा का सारा पब्लिश कमेंट्स और जो कोई भी कमेंट्स रिव्यू के लिए रखा है वो सब डिफरेंट टैब के अंदर दिखाता है। साइड बार पर कमेंट्स के नीचे आप देख सकते हैं एक और टैब है सबटाइटल का। जो कोई भी सबटाइटल ऐड किया है इस चैनल पर वीडियो वाइज दिखाता है। आप हर एक वीडियो के अंदर जाकर उसका सबटाइटल यहाँ पर एडिट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। सबटाइटल के नीचे आप देखिए एक टैब है कॉपीराइट का। यहाँ पर इस चैनल पर जो कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक आया है या आपने अप्लाई किया है वो सब यहाँ पर दिखाएगा। कॉपीराइट के नीचे आप देख सकते हैं एक और टैब है मोनेटाइजेशन, मतलब इस चैनल का मोनेटाइजेशन लेवल क्या है वो दिखाता है। शुरुआत में आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होता है, उसके लिए आपको 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 वॉच टाइम चाहिए होगा। अगर मोनेटाइजेशन एनेबल हो गया तो आप इस टैब के अंदर अपने एडसेंस अकाउंट लिंक कर पाओगे, अपने मर्चेंडाइज डिटेल्स हो, सुपर चैट हो, ऐसी सुविधाएं आप यहां पर कर सकते हैं। मोनेटाइजेशन के नीचे आप देख सकते हैं एक और टैब है ऑडियो। इस ऑडियो टैब के अंदर पूरा का पूरा फ्री म्यूजिक YouTube प्रोवाइड करता है आपका जो वीडियो बनाने के लिए वो यहाँ पर होगा। हर एक वीडियो को आप प्ले करके देख सकते हैं और उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। YouTube स्टूडियो के सबसे टॉप राइट कॉर्नर पर आप देख सकते हैं एक प्रोफाइल आइकन है, उसे क्लिक करके सेलेक्ट करें योर चैनल। योर चैनल क्लिक करते ही आपके मोबाइल पर YouTube का मोबाइल ऐप ओपन हो जाएगा। मोबाइल ऐप यूज करके भी आप वीडियोस अपलोड कर सकते हैं। वहां पर एक आइकन है अपलोड आइकन, उसे क्लिक करके आप अपना वीडियो सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आप टाइटल, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल ऐसी डिटेल्स दीजिए। YouTube का मोबाइल ऐप यूज करके आप ऑन द गो इजीली आप वीडियोस अपलोड कर पाओगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में देखा कैसे आप एक YouTube चैनल सेटअप करें। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड डू सब चैनल। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।